ठीक है। देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है बोलो तो, टेस्ट का मतलब उससे तुम क्या करते हो कि उस सीरीज का बिहेवियर चेक करते हो। जैसे ह्यूमन लाइफ में हम लोग क्या करते हैं बोलो तो, टेस्ट करते हैं। अदरवाइज जो पैथोलॉजी टेस्ट होता है, देखना बहुत सारा टाइप का टेस्ट होता है। कि पहला जो टेस्ट है, देखो मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ कि पहला जो टेस्ट है, सपोज एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के सामने गया, तो अगर उसका कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी टड्डी कोई अगर टूटा है, तो अगर बहुत अगर वो क्रिटिकल टूटा है, तो देखना डॉक्टर हाथ लगा के मालूम कर सकता है कि वो पेशेंट का कौन सा हड्डी टूटा है। ठीक है, मतलब उसका फ्रैक्चर वो मालूम कर सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर जो है ना वो इतना माइनर होता है ना, तो उसके लिए डॉक्टर उसका डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर पाता है। माने वो अगर मैं बोलूँ, देखो टेस्ट का अगर मैं तीन स्टेज बोलूँ ना, देखो एक टेस्ट का मैंने तीन स्टेज पहले समझने के लिए बोल रहा हूँ कि सपोज पहला स्टेज है स्टेज वन, ठीक है ठीक है, स्टेज वन, ठीक है स्टेज वन, स्टेज टू, ठीक है और स्टेज थ्री, ये तीन स्टेज लिया। अच्छा सपोज एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, तो पहला स्टेज में क्या होता है डॉक्टर का टेस्ट, माने डॉक्टर उसका अपना एक्सपीरियंस से उसको हाथ दे के वो दिख रहा है। स्टेज टू में क्या करेगा, डॉक्टर को मालूम, डॉक्टर को क्या हुआ कि उसको लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा वो एक्सरे करने बोलेगा। ठीक है, अगर देखना बहुत सारा केस में जब एक्सरे भी काम नहीं करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट केस में क्या यूज़ करते हैं, एमआरआई ना। तो देखो ये तीन केस होता है, एमआरआई कर सकते हैं ज़्यादातर, ऐसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। क्योंकि एक टेस्ट जब फेल होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो चलो उसका एडवांस कोई टेस्ट कर लो। तो टेस्ट का मतलब हम लोग उस चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, कोई कंक्लूजन करते हैं। यहाँ पे भी देखो जब हम लोग इन्फाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर का काम करेंगे, तो डॉक्टर का जो काम है वो जनरली क्या होता है बोलो तो, डी एलम्बस टेस्ट, डी रेशियो टेस्ट। चलो डी रेशियो टेस्ट मैं इसको लिख दिया, डी एलम्बस रेशियो टेस्ट, दिस स्टेज इज फर्स्ट स्टेज। इन्फाइनाइट सीरीज में हम लोग पहले डी रेशियो टेस्ट करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में हम लोग करते हैं रैबिज टेस्ट। ठीक है, रैबिज टेस्ट हो गया तुम्हारा एक्सरे। ठीक है, और एमआरआई का मतलब क्या है बोलो तो, एमआरआई का होगा अभी तक मैंने आया नहीं है गॉस टेस्ट। ठीक है, गॉस टेस्ट, गॉस टेस्ट हो गया तुम्हारा एमआरआई। माने अब तुम बोलोगे सर गॉस टेस्ट एमआरआई का मतलब, देखो जनरली एक पेशेंट का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो एमआरआई में वो पता चल ही जाता है। ठीक है, बट एमआरआई को तभी किया जाता है जब वो क्रिटिकल केस होता है। तो गॉस टेस्ट का भी वही बात है, गॉस टेस्ट कब किया जाएगा, जब वो केस क्रिटिकल होगा। मतलब जब कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना, तो तुम उसको गॉस में करो तो हो जाएगा। गॉस कभी फेल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैं अभी बोलूँगा। ठीक है, तो ऐसा ही जस्ट तुम अगर देखोगे ह्यूमन लाइफ में भाई, या फिर हम लोग का जो जो सोशल लाइफ है, ऐसे ही होता है ना। एक चीज़ के अगर ये नहीं हुआ, तो फिर से एडवांस कोई टेस्ट। अभी तक अगर एमआरआई अगर एडवांस है, तो 50 साल के बाद दूसरा और भी कुछ एडवांस आ सकता है। सिमिलरली मैथ में भी बहुत सारा टेस्ट एडवांस आते जा रहा है। तो यही एक बात है, जस्ट मैं समझाना चाह रहा था कि टेस्ट को कैसे करते हैं। डी रेशियो टेस्ट किया, वो फेल हो गया, तो तुमने रैबिस लगा दिया। रैबिस अगर फेल हो गया, तो गॉस टेस्ट लगा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी देखो रैबिस टेस्ट को याद रखने के लिए मैंने क्या बोला कि तुमको ए लिमिट याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो इस ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को तुमको अलग से याद रखना है कि मुझे ए पार्ट का लिमिट करना है। माने जो सीरीज है उसका यून देखना है, उसका यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकाल के माइनस वन करके उसके साथ एन मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लिमिट लेना है। जो लिमिट आया एल, वो नंबर रियल नंबर होगा। अब वो जो रियल नंबर है वो अगर वन से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, लेस देन है तो डाइवर्जेंट, और एल अगर वन के इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द टेस्ट फेल्स। फेल्स का मतलब क्या है कि द टेस्ट कैन नॉट गिवन एनी कंक्लूजन। एनी कंक्लूजन का मतलब टेस्ट कोई डिसीजन मेक नहीं कर पा रहा है, माने वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है वो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिसीजन का मतलब क्या है कि एक डॉक्टर क्या किया, पेशेंट के अगर पैर में कुछ हुआ है, तो उसको हाथ देके समझ नहीं पा रहा है कि वो फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ये बात है टेस्ट फेल्स, उसका मतलब है टेस्ट फेल्स। देखो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ,